देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एसटीवी लद्दाख आवाज करगिल। तो जिस तरह पूरा टैक्सी ने यहाँ पे जो दबे पे बैठे हैं, सर आप डिमांड है कि वी वांट जस्टिस, तो किस मसले को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? हमारा मसला इंटायर लद्दाख जो साइट सींग्स हैं, इनर रूट्स हैं, उसी मसले पे है। क्योंकि 3-4 महीने से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ के कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पर हमने रिप्रेजेंटेशन अपना पहुँचाया। 30 अप्रैल के बाद हमारा ये इशू स्टार्ट हुआ था। फिर बीच में हमारा यहाँ से जो एनएचपीसी के जो गाड़ी एनएचपीसी वालों ने हायर किया था, उस मसले में थोड़ा तेज़ी आ गए, तो वहाँ से भी कोई इशू हल नहीं हुआ। तो लास्ट में हम यहाँ तक पहुँचे कि हम रोड पे आए, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कुछ ये मसले हल किए, ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। इवन कि सारा ड्यूकॉम साहब के पास भी हम गए अपनी फरियाद लेके, तो एलजी साहब के पास भी हम अपनी फरियाद लेके गए, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस ना आने से हम इस मसले पे पहुँचे, यहाँ ये लास्ट स्टेज में पहुँचे कि हम रोड में आके अपना प्रोटेस्ट इजहार करें। कल से आप यहाँ पे हैंगर स्ट्राइक में रुके हुए पूरा यूनियन जी, तो क्या यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा आया कि आप लोग से बात करने के लिए? अभी तक नहीं, अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आए। कोई हमें तो लगता है शायद एडमिनिस्ट्रेशन सोए हुए हैं, क्या है यहाँ पे। तो अभी तक सुबह हम 8 बजे से यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए कि क्या हुआ मसले का, कोई ये लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक तो हमें नहीं लगता है कोई आया है। अभी तक आया नहीं, मैं क्योंकि सुबह 8 बजे से यहीं पर हूँ, अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। जिस तरह आपको साइड सीन जब ले कि यूनियन ने जब बंद किया गया है, तो जांसकार जो टूरिस्ट साइड पड़ता है वो हमारे कारगिल के ही है, तो आप लोग वहाँ पे जेकेटिन को अलाउ किस लिए करते हैं? नहीं, बात ये है नासिर साहब की, एक रूल एंड लॉ जो चीज़ होता है, देखो हिंदुस्तान की जो अपने आइन में जो है, हम उसके खिलाफ वर्जी करते नहीं हैं। एक तो हमारे यहाँ पे इतने इनोसेंट लोग हैं, जहाँ पे भी देखें, जिस फील्ड में भी देखें, कोई हम रूल एंड लॉ का वायलेशन करते नहीं हैं। तो ले में पता नहीं ये कैसे चलता है, रूल एंड लॉ का जो है वायलेशन कर रहे हैं, उस पे भी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर कोई चुप ही साधी बैठा हुआ है। वो हमें समझ में नहीं आता है किस रूल के हिसाब से हमें रोका जा रहा है, किस लॉ के हिसाब से हमें रोका जा रहा है, किस आर्टिकल के हिसाब से हमें रोका जा रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा कि जांसकार में आप क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी चले रूल एंड लॉ के हिसाब से चले। अगर उस सिचुएशन में अगर पहुंचे, हो सकता है हम लेके गाड़ियों को श्रीनगर भी ना छोड़ें और झंस्कार भी ना छोड़ें, ऐसा सिचुएशन, ये तो लास्ट वाला सिचुएशन है। फिर उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सी यूनियन का हो, चाहे आम पब्लिक का हो, हर किसी के साथ ये मसला बन जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रूल एंड लॉ के हिसाब से ये मसले हल हो। एज अ यूनियन प्रेसिडेंट आपने कभी आरटीओ के इस इशू को लेकर कभी बात किया सर? एआरटीओ साहब को भी हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आरटीओ साहब को भी हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और ड्यूकॉम साहब जो हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनको भी हमने ये मेमोरेंडम सारा, ये रिप्रेजेंटेशन सारा दिया हुआ है। कहीं पे भी इसका कोई हल का, कोई इशू का कोई बात नहीं निकलने से,
कोई यहाँ पे पूछने ना आने से ये लास्ट स्टेज में पहुँचा है, क्योंकि स्ट्राइक तो ये या कोर्ट या रोड, ये रोड वाला हमने पहले स्टार्ट किया है, हो सकता है इससे आगे हमें कदम उठाना पड़े, तो हम इसके लिए भी तैयार है। सारे पूरे टैक्सी यूनियन, ऑल टैक्सी यूनियन पूरे तैयार है उसके लिए आगे। जी जी, तो कब तक आपने क्या सोचा है, कब तक इस हंगर स्ट्राइक को रखेंगे? जब तक हमारे ये सारे मसले जो है ये सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, तब तक हम बराबर स्ट्राइक रखेंगे। हो सकता है इससे आगे हमें स्ट्रिक और स्ट्राइक करना पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तब तक रहेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। तो अभी हंगर स्ट्राइक पर है कि आपने कभी सोचा कि एडमिशन की किसी बंदे से कॉन्टेक्ट करें फ़ोन पर, तो अभी क्या आपने किया डीकॉम साइड से लेकर या हमारा सीसी कारगिल का जो फेरोज साहब है उनको लेके या डीसी साहब को लेके? नहीं, उनको हमने पहले ही इंटीमेशन दिया हुआ है कि अगर हम हंगर स्ट्राइक में जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद को चाहिए, क्योंकि हम जो है यहाँ कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद को चाहिए कि हमारा यहाँ पे हाल पूछने आए, हमारे कौंसल का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे यहाँ पे हाल जानने के लिए आए, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब को भी चाहिए कि वो यहाँ पे हमारा हाल पूछने आए कि हमारे साथ मसला क्या हुआ है। तो इसमें हमारा जो अंजुमन जमीयतुल उलमा नाशरिया कारगिल, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से, वहाँ पे भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आल कारगिल स्टूडेंट एसोसिएशन जो, उनका भी हमें फ़ोन भी आया और उनका इजहार यकजहती भी हमें फ़ोन पे किया, और उनका ट्वीट भी, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट भी किया हुआ है। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजियस, सोशल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, मर्चेंट एसोसिएशन हो, टूर एंड ट्रैवल हो, वो आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है उन पे, क्योंकि ये हमारा एक का मसला नहीं है, ये पूरे कारगिल कौम का मसला है, कारगिल का मसला है। तो जिस तरह आप यहाँ हैंगर स्ट्राइक पे रुके हुए हैं, सारे ड्राइवर्स आपके साथ ही आपके शाना बशाना यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरा, उस लिहाज में मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, क्या पूरा इस तरह टैक्सी भी ले आए कश्मीर के लिए पूरा बंद है कि यहाँ से वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, अभी हम पब्लिक के लिए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल मेम्बर्स का जो भी हमारे साइट है, पानीघर साइट से है, सांकू से है, द्रास से है, बटालिक से है, चिकतन से है, हर साइट से हमारे मेंबर्स अभी बैठे हुए हैं। अभी आने वाले वक्त में हमारे ड्राइवर्स भी होंगे और ओनर्स भी होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई अगर नहीं हुआ, हो सकता है पूरा श्रीनगर जम्मू के लिए यहाँ से कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होगा। हमारा पूरा ऑल ट्रांसपोर्ट का भी यही है कि अगर करना पड़े हम पूरे सारे बस से ले कर टैक्सी तक, वैन तक, हम सारे मूवमेंट बंद कर देंगे। जितना आपने कहा इसमें हमने यही जानने को मिल रहा है कि एडमिशन की तरफ से आप लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, चाहे हमारा कारगिल के एडमिशन हो, चाहे लेके एडमिशन हो, जहाँ भी डीकॉम, एलजी, एनपी साहब हैं, इन सब के मसले को लेके, तो आप एज ए प्रेसिडेंट उनको आप अपनी तरफ से जो हिंगर स्ट्राइक पर रुके उसके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, देखो एमपी साहब अभी तो शायद पता नहीं कहाँ होंगे, एमपी साहब को भी चाहिए, क्योंकि वो लद्दाख की एमपी है, वो खाली ले के या ए पर्टिकुलर जगह की एमपी नहीं है। एमपी साहब को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करके इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, और उनको चाहिए कि यहाँ पे भी आए, हमारे सिचुएशन भी जाने, और लेह में भी, लेह का भी सिचुएशन जाने, और इस मसले का जितना जल्दी हो सके उनका, उनको हल करने की कोशिश करें। और एक चीज़ नासिर साहब, हमारे यहाँ से केडीए भी, केडीए है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और लेह से एपेक्स बॉडी है, तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो है उसमें एक हिस्सा हम भी हैं, टैक्सी यूनियन का भी उसमें बराबर का हिस्सेदारी रहा है, लेकिन अभी तक ना एपेक्स बॉडी की तरफ से ना हमारा केडीए की तरफ से हमारी इस इश्यू पे हमें नहीं लगता है कोई बात निकली हो, बात किया हो, लेकिन हम चाहते हैं अभी तो एपेक्स और केडीए का जॉइंट कमेटी एक बनने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारे ये मसले हल हो, क्योंकि परसों मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उनमें वन यूटी वन लद्दाख वो बात कह रहे थे, तो उस वन लद्दाख में हम कहाँ हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है हम कहाँ हैं वन लद्दाख में। अगर वन लद्दाख है तो हमें वहाँ पे ज़रूर हमें शेयर मिलना चाहिए और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। शुक्रिया।
मुस्लिम अल्लाह बंद हुई।